लहंगा पहनने से पहले आप अपनी फुटवेयर डाल लें एंड आप अपनी लेग भी पहन सकते हैं, क्योंकि विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में आप लहंगे के नीचे लेगी पहन सकते हो, जीन्स पहन सकते हो जिससे कि आपको ठंड नहीं लगेगी। एंड आपको जो डोरी है वो राइट हैंड की तरफ बांधनी है जिससे कि आपकी हैंगिंग शो होती हैं, क्योंकि जिस तरफ आप पल्लू लेते हो पल्लू के ठीक अपोजिट साइड आपको अपनी डोरी रखनी है लहंगे की। यहाँ मैं रेड कलर का दुपट्टा ले रही हूँ, इसको स्टाइल करना बताऊंगी। आपकी हाइट कम है और दुपट्टा आपका कुछ इस तरीके से है तो आपको किस तरीके से स्टाइल करना चाहिए। यहाँ पर नेवल के बिल्कुल सामने दुपट्टे का एक कॉर्नर को लेते हुए पिन से पिनअप कर लो। अगर आपकी हाइट कम है तो आप ये मत सोचो कि आप लहंगा नहीं पहन सकते हो, लहंगा आप पहन सकते हो, बट आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, मैं दुपट्टे कैसे स्टाइल करना बताऊंगी आपको। यहाँ पर आप इस तरीके से चेक कर लें कि आपका दुपट्टे का कौन सा हिस्सा शोल्डर पर आने वाला है, ठीक वहीं पर आपको सारी प्लीट्स अरेंज कर लेनी है कुछ इस तरीके से। शादी का टाइम है तो आजकल तो लहंगे पहन ही रहे, मैं खुद शादियों में लहंगे अधिकतर पहनती हूँ, और इस तरीके से वहीं पर आपको सारी प्लीट्स अरेंज करते हुए एक पिन से पिनअप कर लेना है, जिससे कि अगर आप शोल्डर पर पिन से पिनअप करते हो तो आपका जो पल्लू है वो खराब नहीं होगा। यहाँ पर मैंने लहंगे पर हाई नेक ब्लाउज पहना हुआ है एंड जो इसका आप डिज़ाइन देख रहे होंगे ब्लाउज का काफ़ी अच्छा लगता है, आपको हमेशा लहंगे पर बैक हुक वाला ब्लाउज ही पहनना चाहिए जिससे कि काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप इस तरीके से भी अपना दुपट्टा स्टाइल कर सकते हो, ब्लाउज के साथ आप पिनअप कर लें अपने दुपट्टे को। एंड अगर आपको आगे से पतला पल्लू लेना है तो इस तरीके से आप ले सकते हो सारी प्लीट्सों को अंदर से अरेंज करते हुए, और साइड में आपकी साड़ी थोड़ी सी ढीली रह जाती है तो उसको बॉर्डर को अंदर की तरफ लेके आना है क्रॉस में करते हुए। आपको फर्स्ट ऊपर की जो बॉर्डर है उसके अंदर आपको इस तरीके से पिन से पिनअप कर लेना है, तो ये लुक भी बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से, और साइड में आपका ढीलापन भी नहीं रहेगा और आपकी जो पल्लू है वो भी पतला रहेगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो ये स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपकी हाइट कम है तो आप इस तरीके से भी अपना पल्लू स्टाइल कर सकते हो। नंबर 3, इस स्टाइल में आपको अपना जो दुपट्टा है ये थोड़ा सा छोटा दुपट्टा है, ऐसे पहले सारी प्लीट्स को अरेंज कर लें इस तरीके से, और दुपट्टे की जो लेंथ है काफी कम है। इसको भी मैं आपको स्टाइल करना बता रही हूँ, और सारी प्लीट्स को इधर अरेंज करते हुए पिन से पिनअप कर लो, जो हिस्सा आपके शोल्डर पर आ रहा है वहां पर एक पिन से पिनअप कर लो, और शोल्डर पर रखते हुए, और एक पीछे आपका देख रहे होंगे जो दुपट्टा है वो थोड़ा छोटा है और आगे का जो दुपट्टा का हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा है, तो इस तरीके से आपको अपने ब्लाउज में पिन से पिनअप कर लेना है दुपट्टे को, और आगे से दुपट्टे का एक कॉर्नर लेते हुए इसको ज़्यादा पीछे की तरफ लहंगे के साथ पिन नहीं करना है, इसको आपको एकदम लेफ्ट जो शोल्डर है उसे थोड़ा सा पीछे करना है, बस उस ज़्यादा पीछे हमें उस तरफ नहीं ले जाना है, बस थोड़ा सा इस तरीके से पिनअप करना है, ज़्यादा पीछे नहीं। अब आप देख रहे होंगे इस तरीके से भी आप ले सकते हो, ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं लेना है तो आपको जो ज़्यादा दुपट्टा यहाँ लटका हुआ नज़र आ रहा है तो उसको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो क्रॉस में। ये वाला स्टाइल मैंने अभी शादी में अपनी छोटी सिस्टर के मैरिज में किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो इस तरीके से क्रॉस में आप दोनों बॉर्डर को लाते हुए और इस तरीके से पिन से पिनअप कर सकते हो, तो ये लुक भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि है ना ये क्रॉस में आ जाता है और स्टाइलिश लुक लगता है। अगर ढीला छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट उनको इस तरीके से अंदर से पिन अप कर लो, तो ये बहुत ही अच्छा लुक लगता है,
और लहंगे पर आपकी कम हाइट है तो क्या हुआ, हमने दुल्हन को भी कुछ उसको लहंगे का जो दुपट्टा था उसको भी इसी तरीके से स्टाइल किया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऊपर से आपकी जो प्लीट्स हैं इस तरीके का ये लुक आएगा, यहाँ देखिए, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ऊपर से जो प्लीट्स हैं जो आपके शोल्डर से आ रही हैं, ऊपर से सारी प्लीट्सों को अरेंज कर लेना है इस तरीके से, अरेंज करते हुए और सारी प्लीट्स को, नेट का दुपट्टा होता है तो उसको अरेंज कर लोगे तो जो फ्रंट लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर का जो सारी प्लीट्स सेट रहें तो वहाँ पर सारी प्लीट्सों को अरेंज करते हुए एक पिन से पिनअप कर लो, ये लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ देखिए दोनों बॉर्डर सामने दिखते हैं और सामने का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। शॉर्ट दुपट्टे को भी इस तरीके से आप वेयर कर सकते हो, अगर आपका लॉन्ग दुपट्टा है तो उसको भी इस तरीके से वेयर कर सकते हो, आपकी हाइट कम है तो भी इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो भी आप इस तरीके से दुपट्टा स्टाइल कर सकते हो। तो ये किसी भी हाइट की जो गर्ल्स हैं वो इस तरीके से दुपट्टा वेयर कर सकती हैं। नेक्स्ट स्टाइल में ये वाला जो स्टाइल है ये तो अंगूरी भाभी करती ही हैं, इसमें मैंने पल्लू नहीं लिया है बट जो स्टाइल है सेम उसी तरीके से है। आपको इस तरीके से सारी प्लीट्स को अरेंज कर लेना है दुपट्टे का, लहंगे की दुपट्टे का इस तरीके से, और आगे से दुपट्टे की जो लेंथ है ना आपको ज़्यादा नहीं रखनी है। बस इतना ही रखना है और वहीं पर सारी प्लीट्सों को इस तरीके से आप शोल्डर पर पहले ऐसे देख लें कि दुपट्टे का कौन सा हिस्सा आपका आएगा, सेम वहीं पर सारी प्लीट्सों को इस तरीके से वन बाय वन अरेंज करते जाना है। और इसमें पतला बॉर्डर है तो उसको देखते हुए हमें पतली पतली प्लीट्स तैयार करनी है जिससे कि वो देखने में भी अच्छी लगती हैं और जो दोनों बॉर्डर हैं वो सामने आपको शो होते हैं, तो ये लुक भी बहुत ही अच्छा लगता है। और अंगूरी भाभी सेम इसी तरीके से करती है, उनका देखा होगा आपने तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। आपकी हाइट कम है तो भी आप लहंगे की जो दुपट्टा है इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो, सारी प्लीट्सों को अरेंज करते हुए वहाँ पर एक पिन से पिनअप कर लो तो वो दुपट्टा बिल्कुल सेट हो जाएगा। मैं इसीलिए पहले पिन करना आपको बता देती हूँ ना, जिससे कि अगर आप ब्लाउज के साथ अटैच करोगे तो वहाँ से प्लीट्स ख़राब नहीं होती हैं, और कुछ दूरी के बाद भी आपको इसी तरीके से वहाँ पर एक पिन लगा लेनी है दोनों बॉर्डर को अरेंज करते हुए। अब वो वाला हिस्सा जो है जहाँ हमने प्लीट्स अरेंज कर ली थी वो वाला हिस्सा आप शोल्डर पर रख लें, और आगे का जो है पल्लू की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है बिल्कुल भी, आपको नेवल से थोड़ा सा नीचे ही रखना है आपकी हाइट कम है तो। और पीछे से दुपट्टे का हिस्सा लाते हुए यहाँ पर सामने आपको इस तरीके से पिनअप कर लेना है, ज़्यादा सेंटर में नहीं करना, थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ ही आपको एक पिन से लहंगे के साथ अटैच कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से शॉर्ट दुपट्टे में आप ये वाला स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और आगे से जो पल्लू हमने बनाया है उसका एक कॉर्नर लेते हुए जो पिन लगाई है उसके थोड़ा सा हमें लेफ्ट साइड की तरफ, ज़्यादा पीछे भी नहीं ले जाना, और उसके ऊपर से हम अपने पल्लू का कॉर्नर लाते हुए वहाँ भी एक पिन से पिनअप कर लेते हैं, तो ये लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ देखिए इस तरीके से, मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी सॉरी, मैं आगे की वीडियो नहीं दिखा पाई, लुक कुछ इस तरीके से ही लग रहा था। तो आप, मेरा कौन सा स्टाइल अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।